हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल, यू आर वॉचिंग आई बिलाल। बिफोर सेइंग एनीथिंग, एक साल में दो वीडियोस और अब एक हफ्ते में दो वीडियोस, पूरे जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ऐसा साथ बदल दिए। खैर, टुडे आई वांट शेयर अ स्टोरी ऑफ माइन विच यूज टू गिव मी हॉरर्स फॉर अ वाइल। ये स्टोरी काफ़ियों के लिए बहुत फनी भी थी, ठीक है, एंड इट वॉज इवेंट इन माई लाइफ, इट हैड अ इम्पैक्ट इन माई लाइफ एज वेल। खैर, ये कहानी है कोई 3 साल पुरानी। मुझे मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने इन्वाइट किया था इफ्तार पार्टी पे, मेरे अलावा पूरी क्लास को आई थी, बातें ऑब्वियसली इन्वाइट किया था। इतना मैं खास किसी का भी नहीं हूँ कि मुझे अकेले को कोई इन्वाइट करे। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, इफ्तारी वगैरह बहुत सही थी। इफ्तारी का मेरा प्लान मेरा मूवी देखने का, हॉरर मूवी थी। अब सही ये होता है, सारे लड़के जमा हुए, इकट्ठे हो गए हॉरर मूवी देखने के लिए, लाइट शाइट ऑफ कर दी और मैं कोई सोफे पे बैठ गया, कोई बिस्तर पे बैठ गया और सारे चिपक जम गए बस स्टिल हो। अब मेरी किस्मत और अल्लाह करनी मुझे आ गया सुसु, ठीक है ना, मुझे आ गई कॉल ऑफ नेचर। अब मैं, मुझे सारी बातें जब आती है तो आती है भाई, आती है तो आती है, अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज थोड़ी ना होता है, रोकना वगैरह थोड़ी ना सही होता है। तो जब आई तो मैंने चला गया बाथरूम खिलाफत से, मैंने यह करना था। मैं जब बाथरूम गया तो उन्होंने लाइट ऑफ कर दी बाहर से। अच्छा, एक सबसे सबसे पहली बात, एक तो ना घर के इलेक्ट्रिशियन पे एक दफ़ा था, आप जरूर खिलाते हैं सारे घर के इलेक्ट्रिशियन के दिमाग को, कितना साइंस दान आदमी था वो, उसने बाथरूम की लाइट का स्विच ही बाहर लगाया होता, क्या बात है, ठीक है। खैर, तो उसने बाहर का स्विच था ना बाथरूम का, उन्होंने लाइट ऑफ कर दी मेरी। अब मैं बड़ा सुकून से, मैंने कहा बिलाल साहब ने घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 साल बाद आपका प्राइम मिनिस्टर जो होगा ना वो हैंडसम होगा, तो उन्हें घबराना नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं घबरा, मैं स्कूल से मोबाइल खोला, फ्लैश ऑन की, पीछे रख दिया बोर्ड के ऊपर, फ्लैश ऑन साइड होती है ना वहाँ पर रख दिया स्कूल से। अब लाइट पूरे बाथरूम पूरे रूम में फ्लैश वो करी थी, सराउंड करी थी, तसल्ली से मैंने अपना काम किया बेहतरीन, ठीक है, तसल्ली से मैंने काम किया अपना। फिर मैं चला गया वो उधर, फिर मैं चला गया हाथ धोने, हाइजीन भाई, साफ़ सुथरे आदमी है। तो अब मैंने जब किया, मैं जब भाषा धोए तो मेरे जहन में नहीं रहा, मैंने फ्लैश का बटन दबाया, जब फ्लैश का बटन दबाया यहीं पे आप रुक गया। अब फ्लैश का बटन दबा रहा हूँ, मोबाइल ही पड़ा हुआ है, स्टोरी में कैच है, जो मेरा मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ था ना, ये जो कमोड था, कमोड के साथ ही होता ना जो WC होता है, जो लेटा हुआ जो होता है, मैं सो क्या हूँ, लेटा जो कमोड होता है जो WC कहते हैं उसको, बिल्कुल यहाँ कहीं यहाँ पे WC था। अब मैंने जब ये या बटन दबाया तो वो हिलता है, हल्का सा वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेट करके ना टुस करके WC में गिरे मेरे सामने मोबाइल में फ्लैश चलते हुए, और वो ऐसे ना ऐसे मैं देख रहा हूँ वो ऐसे मेरे सामने चल, मेरी नज़रों के सामने ही ना वो गिर गया WC में अंदर पूरा, ठीक है। मैंने पैनिक फिर भी नहीं किया, मैंने बड़ी तसल्ली से ना ज़्यादा खटना शुरू कर दिया, मैं दोबारा खोलो, वो शुक्र है अल्लाह की फिर से करम हुई, नवाजी ये हुई कि उनको अक्ल आ गई, उन्होंने दोबारा खोल दिया सही टाइम पे। मैंने दोबारा खोला तो सबसे पहले मैंने काम की इर्द गिर्द देखा, शॉपर कोई कोई शॉपर मिल जाए, सब्सटेंस कोई ऐसा हो जाए जिससे मेरे दूसरे सब्सटेंस पर गंदा आता लग के, यू नो हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट। खैर, मैं शॉपर मुझे मिला, मैंने सब कुछ वो शॉपर बेचारा भरा हुआ था तस्वीरों तस्वीरों से, मैं सारा शॉपर से खाली किया, ऐसे शॉपर पहना, मैं भाग के गया अंदर, ठीक है ना, और मैंने यू करके मोबाइल निकाला और यू करके रख दिया ज़मीन पे। अब मोमेंट में ना, जब मैं मोमेंट बता ना, जब आप किसी चीज़ के मोमेंट में होते हो, फील में होते हो, तो आप सराउंडिंग को नहीं गौर करते। अब मैं भी ना मोमेंट में गुस्सा होता है सेक्शन के, कि मैं ना बात कमोट में हाथ मार रहा हूँ, उसको ना बड़ा फैंटिसाइज किया, मैं कमोट में हाथ मार के मोबाइल निकाला, मैं बड़ी फील में था, मैं फील में था, मेरे साथ ही मैं ना बाथरूम का दरवाजा बंद करना भूल गया, वो बॉयज सारे आए, उन्होंने मेरी सारी वीडियोस और तस्वीरें खींच ली कि मैं ऐसे ऐसे हाथ मार रहा हूँ, उन्होंने वीडियो भी बनाई, दो तस्वीरें भी खींच ली ऐसे हाथ मार रही, और फिर जो करनी हुई मेरी, ठीक है। तो ये थी मेरी कहानी। फिर हुआ ये कि उन्होंने फिर चंगा मुझे 2-3 महीने ब्लैकमेल किया इसी पे, कि भाई तुम्हारी वाली वीडियो उसको भेज देंगे, तुम्हारी वाली वीडियो वहाँ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर अल्लाह ही करनी, फिर से ये तो अल्लाह की जेन्युइन करनी है, ठीक है, कि मैं हज पे चला गया और फिर मैंने उन सबको मुँह लगाया कोई 3-4 महीने,
और फिर जब मिले तब वो भी इस चीज़ से ग्रो कर चुके होते, तो फिर ये बात यहीं पे दफन हो गई। दिस वॉज माई स्टोरी, ठीक है ना? दिस वॉज माई स्टोरी। फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस एंड फॉर मोर कॉन्टेंट, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे, शायद मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँ ये वाली वीडियो, तो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भैया थोड़ी सी करो, मेहरबानी करें थोड़ी सी, नहीं यूट्यूब को ना थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा ना रोटी पानी हमारा भी चलना शुरू हो जाए। तुम्हारा चला ही नहीं, लोगों को तो फ्लरिश कर रहे हैं ना, हमारा चला ही नहीं अभी तक, चलेगा फिर ही कुछ करेगा ना काम। तो या होप टू सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन खुदा हाफिज़।